मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये ना कि आज मैं खाना खाने क्यों नहीं आया, आपको बताया भी नहीं और यहीं पे सो गया। वो क्या ना संध्या जी, कनखोर चल रहा है। आपको शायद इसका मतलब ना बताओ, लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी है ये। हम तो हलवाई है ना, अगले 4-5 दिन तक ऐसे ही देर होती रहेगी। अरे आप खा क्यों नहीं रही हैं? सूरज जी, मुझे आपसे कुछ आपको पता है इस गल्ले में कितना है? 8,000। अगर ऐसे ईश्वर की कृपा बनी रही तो इस घनघोर में 35-40,000 कहीं नहीं गए, सीधे दुगनी कमाई। आप एक काम कीजिए, अगर आपको कोई कपड़ा कोई गहना चाहिए तो आप अभी से बता दीजिए मुझे। सूरज जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आई। संध्या जी, एक बात बताइए, आपको अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही है? अरे मेरी तो आगे थकावट की वजह से खुली नहीं रही है, और ऊपर से आगे आपने जगा दिया। सूरज जी प्लीज प्लीज मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। मुझे मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, और मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात जानबूझकर काट रहे हैं। संध्या जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा कहिए आप। सूरज जी, आप उस रात कहीं मेरी बात से नाराज है ना? आपको बहुत बुरा लगा है ना सूरज जी? पर मेरा यकीन है। किस बात की नाराजगी संध्या जी? मुझे तो कुछ याद भी नहीं, तो अच्छा बुरा कैसे लगेगा? संध्या जी, वो क्या ना कि आप थोड़ी सी गर्म स्वभाव की हैं। अगर मैं आपकी बातों को इतनी गहराई से दिल में लगाने लगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे तो याद भी नहीं कि आप कौन से दिन की कौन सी बात पे बात कर रहे हैं। अब संध्या जी देखिए ना, ये सब इतनी बार हुआ है कि मुझे याद रखने के लिए ना एक किताब में लिखना पड़ेगा, और वो भी आप लिखेंगे। वो क्या ना कि ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। अब एक काम कीजिए, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाइए। कोई नाराजगी वराजगी ना, आप फालतू में चिंता कर रही हैं संध्या जी। चलिए देखो, मुझे तो सुबह उठना है ना, इसलिए। सूरज जी, आप सच नहीं कह रहे, आप नाराज हैं और मुझे बता नहीं रहे। अगर नाराज नहीं होते ना तो सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करते आप। इतने दिनों में इतना तो जाना है आपको और आपके स्वभाव को भी। कोई बात तो है जो आपको बहुत चुभी है, जिसका दर्द यूं गुस्से के रूप में निकला है। बताइए सूरज जी। अच्छा, तो ये बात है जो आपकी आंखों में नींद नहीं आ रही है। बहुत बुरा लग रहा है आपको, अंदर ही अंदर बहुत कुछ भर गया है, घुटन सी हो रही है आपको, जिसे आप निकाले बिना सो नहीं सकती। तभी बहाना मेरी नाराजगी का बनाया और घुमा फिरा के अपने दिल की बात कह रही हैं आप गलत समझ। क्या संध्या जी, आपका दिल कभी आपको रोकता नहीं है क्या? दूसरों की तकलीफ दिखाता नहीं क्या आपको? एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे दिन भर से थका आ रहा हूँ, आप मेरा हालचाल पूछे, मुझे चाय पानी पूछे? लेकिन ना, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए कहीं ज्यादा इससे जरूरी है आपकी शिकायतें, आपका बुरा लगना। खैर, गलती आपकी भी ना है, ना तो आप आम पत्नी जैसी हैं और ना ही हमारा ये रिश्ता। फिर मैं आपसे छोटी उम्मीदें क्यों रखूं संध्या जी? बस इतना ही कहूंगा संध्या जी कि शाम को जो कुछ भी देखा बुरा लगा मुझे, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में आसानी से बिना कुछ सोचे समझे कह जाना, कर जाने का हक सिर्फ आपको थोड़ी ना संध्या जी, हमारा भी तो है। अब कुछ और शिकायतें, कुछ और सवाल ना हो, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं सो जाऊं? वो क्या ना कि मुझे तो सुबह उठ के काम पे लगना है ना, इसलिए बोल रहा हूं।
सुबह जल्दी उठ रहा है। सुनिए, सुनिए, मुझे तैयार होना है। आप बाहर सूरज जी, मुझे तैयार होना है, इसीलिए। मुझे भी तो जल्दी तैयार होना है, दुकान पे बहुत काम है। आप तैयार हो जाइए ना, किसने रोका आपको? और वैसे भी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जी। वो मुझे कपड़े बदलने हैं, आप बाहर जा सकते हैं?
डर लग रहा है, या फिर यूं कहिए कि आपको अपने पति से डर लग रहा है। पति हूं आपका, अब इतना तो हक बनते ही है ना। संतोष, संतोष के है? तू मने कंगला कर देगी के? अमीर कब थे? अरे इस घर में एक एक पाई जोड़ जोड़ के मैं चीजें खरीदता हूँ और तुझे उसकी कदर कोनी? के होयो? अरे के होयो, तुझे कोई कदर नहीं रहती भारी चीजों की। तू सुन रही मारी बात? मने तो दिखे के सुन रही हूँ, शायद आपने को नहीं दिख रहे हो के सुन रही हूँ। बोलो के बात हुई है? ये जूती क्यों बाहर फेंकी तूने रास्ते पर? अजीब फाटेड़ी। अरे नहीं, इतनी सी फाटेड़ी तूने फाड़ फाड़ के इतनी खींच खींच के इतनी बना दी। चलो चल लगा के 6 महीने और चला देता मैं। पिछले 6 साल से 6 महीने और चला देता, 6 महीने और चला देता, सुन सुनकर मेरा कान बहरा हो गया। वो तो आप मोची की दुकान पर बार बार इसलिए जाते हो ना कि आपने पान खाना है, क्योंकि बगल में तो है पान की दुकान। बड़ 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 सवेरे सवेरे तू कट जा रही है। वो भाबो मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, और कहा इतनी सुबह सुबह मास्टर जी की बकरी के दूध दोने जा रही है के? नहीं भाभो, वो जो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, बस वही। आजकल मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ ना, इसलिए। चल झूठी, तो मैं जाऊँ? थारा भी इलाज करना पड़ेगा, जा। देखो थारी एक्स्ट्रा क्लासेस ना जाती होगी कहीं। सूरज, रात ने मासा का फोन आया था, छवि के लिए एक बढ़िया सा ठिकाना देखा है मासा ने। गांव में छोरो मार्बल का काम किया कर तो, और आज पुष्कर में आया हुआ है। मासा ने कहा है एक बार छोरा ने देख लियो। पर भाबो, अचानक से मतलब अभी तो छवि की पढ़ाई भी पूरी ना हुई है। अरे पढ़ लिख कर उसने कौन सा ब्रह्मा जी के खाते संभालने का काम करना है? वैसे भी आखिरी साल है उसका। लड़का देखते शादी सगाई होते होते साल तो यूं ही निकल जावेगा। देख बेटा, आजकल आसानी से अच्छा रिश्ता मिलना हथेली में नीमड़ा उगाने जैसी बात है। बात तो ठीक कह रही है बाबू, हमें अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो बाद में 1000 समझौते करके भी कहीं भी रिश्ता जोड़ लेना पड़ता है। चलेंगे आज छवि के लिए लड़का देखने बाबू, अच्छे से जमा जमा के काम करेंगे बाबू। 1 साल तक का टाइम लेंगे ताकि सारी ऊंच नीच अच्छे से देख सके। हाँ ये सही है, साल भर में तो छवि की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। देख बेटा, अब पढ़ाई वढ़ाई का कोई चक्कर ना रखना है मन। रे छोरे के घर वाले रिश्ता जुड़ने के बाद छवि को आगे पढ़ने दे या ना पढ़ने दे, उनकी मर्जी है। हाँ बाबू, तो एकदम ठीक कह रही है। और हाँ लीजिए, अब आगे होकर कठपुतली का खेल शुरू ना करवा दो कि पढ़ाई करवाओ पढ़ाई करवाओ। अभी तो बात आगे बढ़ रही है, छोरा दिखाने जा रहे हैं हम लोग। हाँ चल सब तैयारी करो। मीना बिनी इकट्ठे रहेगी। मीना बिनी भाबो मैं यहाँ हूँ। रसोई थारे जिम्मे है, पता है ना तुझे? मगर भाबो झाड़ू नहीं पता है। नौटंकी बंद कर, रसोई बनाकर तैयार रखिए, हम लोग बाहर से कोई चाट पकौड़ी खाकर नहीं आने वाले, समझ गई?
कहाँ भाबो, मैंने तो चाट पकौड़ी खानी छोड़ दी जब से। छोड़ दी छोड़ दी। पता है मन्नी, तो कितना अपना मुंह बांध सकती है। चल सूरज, तैयारी कर। ठीक है बाबू। इन्हें तुम्हारे पे विश्वास ही को नहीं। मैं छोड़ूंगी चाट किसी के लिए। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, अब तो आपकी माफी सुनने की आदत सी होगी। कोई नई बात थोड़ी ना है। सूरज जी, याद है आपको जब छवि के परीक्षा में 83% नंबर आए थे तो कितनी खुश थी वो। इससे पता चलता है कि उसका पढ़ाई में कितना मन लगता है। अब तो 1 साल ही बचा है और फिर उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। आप लड़के वालों को मनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर शादी 1 साल बाद हो सके। मेरा मतलब आप लड़का जाके देख आइए, सगाई वगैरह करके रोका कर दीजिए। पर शादी अगर 1 साल बाद हो तो छवि की बचपन से की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कम से कम एक बैचलर्स की डिग्री तो रहेगी उसके पास। संध्या जी, एक डिग्री मिलने से छवि की जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।